जीत मेरी नहीं मान रही, जीत हमारी हुई है। आई लव यू मान। अगर मुझे जिंदगी जीने का एहसास हुआ है तो वो है आज। अगर मैंने कभी जिंदगी महसूस की है तो वो है आज। आज मैं बहुत खुश हूं। चलो अब हम अपने प्यार को यूं सेलिब्रेट करते रहेंगे कि घर भी चलेंगे, वरना हमें लवेरिया की जगह सर्दी और मलेरिया हो जाएगा। चाय बनाई, मैं बना लेती ना। कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे चाय पिलाने का मौका बहुत मिलेगा। अब तो हम साथ में रहेंगे। क्यों, चाय अच्छी नहीं लगी? नहीं पार्टनर, चाय बहुत अच्छी बनी है। मैं बस ये सोच रही थी कि हमारी लव स्टोरी तो ट्रैक पे आ गई, पर अभी से ना बहुत सारे रेड सिग्नल से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर पीजी चंडीगढ़ में दी और जीजू को छोड़ के तुम्हारी पूरी फैमिली वो तो कभी इस रिश्ते के लिए मंजूरी नहीं देगी विराट। और मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाओ। आखिर वो मेरी दी का ससुराल है, मैं नहीं चाहती कि वो इन सब में फंस जाए। डोंट वरी, कोई नहीं फंसेगा। और वैसे भी अब तो तुमने तीन सिग्नल दे दिए, बाकी लोग भी तीन सिग्नल दे देंगे। और वैसे भी मैं किसी को कोई फोर्स ना कर रहा, तो मैं मना लिया, अब बाकी लोगों को भी मना लेंगे। इस खूबसूरत पल का मुझे पता नहीं कब से इंतजार था। अब फालतू की बातें करके मैं इसे खोना नहीं चाहता। क्यों ना हम कुछ स्पेशल करें? मतलब ये कि तुम अब मुझे ऐसे छू नहीं सकते। क्यों, ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हें पहली बार छू रहा हूं? मैं तो तुम्हें गोद में बिठा चुका हूं। पहले बात कुछ और थी, तुम मेरे दोस्त थे, मेरे पार्टनर, पर अब मैं तुम्हारा क्या? मुझे नींद आ रही है। मेरी नींद उड़ चुकी। पहले सोता था ये सोचकर कि तुम मेरे सपनों में आओगी और मुझसे मेरा प्यार का इजहार करो, लेकिन अब जब ये सच हो गया अब सोने से डर लगता है। कहीं ये सच फिर से सपना न बन जाए। राशिक प्लीज डायलॉग्स मारना बंद कर रहा और जाके सो जा। वो सुबह मुझे खुशखबरी दी को देने। आप मुझे भी भाई को आखिर ये हमारे प्यार की पहली मॉर्निंग है। गुड नाइट। गुड नाइट।
किशन जी, आप सो क्यों नहीं रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सो जा। आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? जी, जो भी बात है मुझे छुपाइए मत, खुल के बता दीजिए क्या बात है। पहले वादा करो कि मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ तो किसी और को नहीं बताऊंगी। नहीं बताऊंगी। तुम्हें याद है मैं तुमसे कह रहा था कि मिस्टर तलवार 30 सालों से एक औरत से प्यार करते हैं, इसलिए आज तक उन्होंने शादी नहीं की। जी। शिविका, क्या तुम जानते हो कि वो औरत कौन है? माँ। नरेन जी, आप परेशान क्यों हो रहे हो? परेशान नहीं हूं तो और क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करूं मैं। जी, पहले आप रिलैक्स हो जाइए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि माँ इस बारे में क्या सोच रही है। वो भी तो 30 साल बाद मिस्टर तलवार से मिल रही है ना, उनके अंदर कोई फीलिंग्स है कि नहीं, वो खुश है या नहीं। जीविका, तुम जानते हो आज माँ को मैंने मिस्टर तलवार से बात करते हुए देखा। इतने सालों में माँ को इतना खुश मैंने आज तक नहीं देखा। खुल के हंस रही थी वो, जैसा लगता है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। रेजी, माँ जी को भी पूरा हक है ना अपनी बाकी की जिंदगी खुशी से जीने का। प्लीज उनसे ये मौका मत छीनिए। शायद तुम ठीक कह रहे हो जीविका। आई थिंक मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। और एक बार डिसीजन लेने से पहले एक बार विराट से बात कर लेता, उसकी राय लेना भी बहुत जरूरी है। ला ला ला, ए हे हे, ला 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 ला, ए हे, आहा, ए हे हे। भाई का फोन इस वक्त? हेलो भाई, मैं भी आप ही को फोन करने वाला था। अब विराट ऋषिकेश में सब कुछ ठीक है? मानवी कैसी? जी सर, फर्स्ट क्लास। और मानवी भी ओके है। आपने इस समय फोन किया, सब ठीक ठाक है? देख, तुझे फोन पर बता नहीं सकता, बस एक काम कर, तू जल्दी चंडीगढ़ वापस आ जा, या तेरी जरूरत है मुझे यहाँ पर, ठीक है? भाई ब्राह्मण, कोई परेशानी वाली बात नहीं, बस तुझसे कुछ बात करनी थी, तू जितनी जल्दी हो सके ना। ओके, मैं यहाँ से सुबह निकलता हूँ। ठीक है, बाय। बहुत अच्छा गिटार बजाते हो विराट, मन करता है बस सुनती रहो। विराट तो यह है ही नहीं, फिर ये म्यूजिक कहाँ से सुनाई दे रहा था मुझे? ला ला ला, ए हे हे, ला ला ला।
इसी को कहते हैं प्यार। बैठे बैठे अपने आप ही दिल के तार छिड़ जाते। ये जरूर विराट का काम होगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पार्टनर। बार बार देखकर मत लगाओ नजर मेरे इकलौते प्यार को। मेरे जाने के बाद मेरे आने तक बस समझो यही है विराट। गिव मी अ हग। मेरे आने तक मान। हेलो विराट, तुम कहाँ हो? सुबह सुबह कहाँ गायब हो गए हो? Actually, तुम सो रही थी इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। मैं तुम्हारे लिए एक लेटर लिखा है, मेरी साइड में रखा हो। पर तुम हो कहाँ पर? मैं भी रास्ते में हूँ, चंडीगढ़ जा रहा हूँ। चंडीगढ़? कल रात का भाई का फोन आया था, कुछ अर्जेंट काम है इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। बट तुम टेंशन मत लो, ओके? मैं जल्दी आऊंगा। विराट, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। मैं तुम्हें ऑलरेडी मिस कर रहा हूँ मान ली, बट क्या करूँ, भाई का फोन आया था, जाना तो पड़ेगा। और फिर घर वालों को तो भी मनाना। डोंट वरी, इस बार मैं सारे काम करके आऊंगा, ठीक है? मैं घर पर फोन करता हूँ, तो अपना ख्याल रखना। ओके बाय। ओके गुड मॉर्निंग चाचू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मानवी जी। मानवी बेटा, विराट नहीं दिखाई दिया सुबह से, अब तक सो रहा है? नहीं बड़ी बेटी है ना, ये रहा विराट। ये भालू में तुझे विराट दिखाई दे रहा है? बड़ी बीजी, ये भालू नहीं है, विराट ही मुझे बोल के गया है कि जब तक वो वापस नहीं आ जाएगा तब तक इसे ही विराट समझू। वापस नहीं आ जाता मतलब? कहाँ गया है विराट? चाचू वो ना, विराट सुबह सुबह चंडीगढ़ के लिए निकल गया। एक्चुअली रात को जीजू का फोन आया था ना, तो काम के लिए बुलाया होगा। लेकिन मानवी दीदी, विराट भैया तो कह रहे थे कि वो आपको यहाँ से बिना लिए नहीं जाएंगे। और मेरा विराट तो बिल्कुल सलमान खान की तरह है, एक बार जो कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, और वो कमिटमेंट के बिना जाएगा भी नहीं। इसका मतलब कमिटमेंट पूरी हो गई है। मतलब विराट जीत गया, मानवी हार गई है ना? थॉमस तो अकेली है। I think इससे बेटर मौका नहीं मिलेगा कि माँ की मन की बात जान ले। क्या बोलते हो? लेकिन वीरेन जी, आप पहले प्लान तो कर लीजिए कि आपको पूछना क्या है। प्लान? इससे बड़ा ना देखिए, मेरा नाम है वीरेन बड़े, बहुत बड़ा लॉयर है, और बड़े बड़े क्रिमिनल से बड़ी बड़ी बातें करवाई, तो बेचारी मेरी माँ है। बस दो मिनट में सारा राज उखला लो। वेट, वॉच, टू मिनट्स। वीरेन। माँ। क्या कर रही हो माँ? चाय बना रही हूँ, लेकिन तुम रसोई में कुछ चाहिए? अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो? मुझे चाय पीनी थी और तरुण बाहर गया, तो
इसलिए मैं रसोई में हूँ। लेकिन माँ, अगर आपको चाय पीनी थी तो मुझसे कह देते, मैं आपके लिए चाय बना देती। थोड़ी सी चाय मेरे लिए बना लेना, तब तक मैं माँ से बात कर। क्या बात करनी है? क्या विराट के बारे में? अरे नहीं माँ, कहाँ विराट, वीरेन बहुत हो गया। माँ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आपके बारे में। मेरे बारे में क्या बात करना चाहते हो? इंतजार, प्यार, प्यार, मैं आपसे प्यार के बारे में बात करना चाहता था। किसका प्यार, विराट और मानवी? नहीं माँ, विराट और मानवी का प्यार थोड़ी, मैं प्यार प्यार की बात कर रहा हूँ। प्यार प्यार नॉर्मल प्यार, नॉर्मल लोगों के बीच में प्यार होता है, उस प्यार की बात कर रहा हूँ मैं। प्यार तो कभी भी हो सकता है ना, किसी से भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है। कोई पुराना दोस्त, कोई साथी, पुरानी यादें, and all of that, you know, the filmy stuff. तुम क्या बोल रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो मुझे जाने दो, मुझे स्वामिनी दी से मेन्यू डिस्कस करना है। जीविका, मेरी चाय जरा लिविंग रूम में बिछवा देना, ठीक है? जी। हाँ लेकिन वो बात सुनो मेरी, खत्म कहाँ हुई है? देख सेटल होने की बात कहाँ मैं? क्या हुआ वकील साहब? आप तो बड़े बड़े क्रिमिनल से सच करवा देते, क्या हुआ? टाई टाई फिश। माँ को चाय पहुंचा देना बाहर। जी वकील साहब। हाँ मनु। हाय दी, कैसी हो? क्या बात है मनु, बड़ी खुश लग रही है, कहीं वही बात तो नहीं? हाँ दी, वही बात है दी। गेम ओवर। हाँ बोल दिया मैंने आपके देवर को, वो जीत गया दी, मैं हार गई। सच? मनु तुझे पता नहीं मैं तेरी इस हार से कितनी खुश हूँ। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ मनु। थैंक यू दी। लेकिन दी मुझे अब बहुत डर लग रहा है, पता नहीं अब आगे क्या होगा। विराट आज सुबह सुबह ही चंडीगढ़ के लिए निकला है, जीजू का रात को फोन आया था। हम दोनों की बात को लेकर कहीं बवाल ना हो जाए दी। नहीं नहीं मनु, ऐसी कोई बात नहीं है, वो कोई दूसरे रीजन के लिए विराट वापस आया है। सही वक्त आने पर मैं तुझे बता दूंगी। वैसे ये सब छोड़, मुझे पता पीजी ने क्या कहा और बाकी के घर वालों के रिएक्शंस क्या थे। सब खुश है दी, बस वो बीजी यहाँ पे नहीं है। वो अर्जेंटली उन्हें इलाहाबाद जाना पड़ा, उनके भाई की तबीयत खराब हो गई थी ना। वो भी आ जाएंगे एक दो दिनों में, लेकिन आके पता नहीं क्या बोलेंगी दी। मनु तो घबरा मत, बीजी कुछ नहीं कहेंगी, उनके लिए तेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। मनु तूने विराट के प्यार को एक्सेप्ट किया है ना, तो आई एम श्योर बीजी भी तुम दोनों को एक्सेप्ट करेगी। दी वैसे एक बात बोलू, आप ठीक कहती थी दी, इस पूरी दुनिया में प्यार से बढ़ के कुछ एहसास नहीं है। लाइफ अभी तक अधूरी अधूरी लगती थी, लेकिन लेकिन प्यार करने के बाद जैसे जैसे नहीं, मुझे मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है। ऐसा ही होता है मन, बस मैं तुझे इतना कहना चाहती हूँ कि एक एक पल को खोल के जी, महसूस करके जी। सच में मन, मैं तेरे लिए और विराट के लिए बहुत खुश हूँ, और तू देखना आगे भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेलो, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, वो लंच टाइम हो गया ना। हाँ ठीक है दी, आई लव यू। आई लव यू टू। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।